आज जिनके दस्त मुबारक से आमदार कार्यालय का आमदार ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, हमारी वालिदा मोहतरमा हजिन साबिरा भी उसी तरह से यहाँ पर मौजूद, महिला जिलाध्यक्ष दीपा मैडम, शहर अध्यक्ष फातिमा मैडम, शाहिदा मैडम, शहर अध्यक्ष नूरा भाई ठेकेदार, पापा सर, नगर सेवक गनी डालर, नगर सेवक नासिर पठान, नगर सेवक आमिर पठान, रईस भाई हिंदुस्तानी, रफीक पठान और यहाँ पर सभी मेरे कार्यकर्ते। आज हमने आमदार कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस शुभ अवसर पर हमने पूरी कोशिश की है कि आज का दिन हम हमारे आवाम में जो हमारे गरीब लोग हैं उनके साथ आज का दिन हम मनाने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर हमने कई अपाहिज लोगों को, अपंगों को हमने 51 पीले राशन कार्ड बनाकर दिए हैं और इस मौके पर हमने जो मजदूर लोग हैं, मजदूरों को 51 किट हम लोग जो कामगार मजदूर हैं उनको हमने सुपुर्द किया है। उसी तरह से जो महिलाएं हैं, जो बेवा महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे, ऐसा 100 लोगों को हमने मंजूरी दी है। इस तरह से हम विधायक काम का आज हमने शुभारंभ किया है। आज 6 मार्च बरोज इतवार को दुलिया शहर के हरदिल अजीज आमदार अली जनाब आमदार फारूक साहब का जन्मदिन था। इस मौके पर आमदार साहब ने बहुत अच्छी तरीके से जो कि आवाम के लिए, शहर के लिए एक प्रोग्राम मुंतखब किए थे, जिसमें अव्वल तो आमदार साहब का राबता ऑफिस दारू सलाम ऑफिस बनाई गई, जिसका आमदार साहब की वालदे मोहतरमा के हाथ से उद्घाटन किया गया सुबह 11 बजे और इसी के साथ में कुछ प्रोग्राम किए गए, जिसमें प्रोग्राम ये था कि शहर के जो गरीब गुरबा है और ख़ास करके जो है कि वहाँ माजूरी ने, उनके लिए साहब ने पीला राशन कार्ड बना के वाटप किए और इसी के अलावा कुछ हमारी माँ बहनें ऐसे जो बेवा है तो उनके लिए मदद के तौर पर साहब ने जो है कि एक स्कीम के तहत में उनको एक लेटर वाटप किए, जिसकी वजह से उनको रोजगार भत्ता कुछ चालू हो जाएगा, एक प्रोग्राम ये हुआ। और इसके अलावा एक प्रोग्राम जो कि हमारे बहुत से मजदूर भाई ऐसे जो मिस्त्री का काम करते और बड़ी गुरबत के हालात है, जिसकी वजह से कि पौड़ी टिकम भी वो भाड़े का लाते और अपनी सुबह से शाम तक का मजदूरी में से उसका भाड़ा अलग से देना पड़ता है, तो साहब ने ये मद्देनज़र रखते हुए एक किट वाटप किए बांधकाम मजदूरों को, जिसमें पेटी भर के सामान दिए गए, जिसमें हेलमेट है, पंजे है, बैटरी के, खाने का डब्बा है, टॉर्च और भी बहुत से सामान जो है कि साहब ने वाटअप किए मजदूरों के लिए। और भी बहुत से प्रोग्राम हुए, दीनी तौर पर देखा जाए तो सुबह जो है कि 11 बजे ऑफिस में कुरान खानी हुई है और लोगों ने इस मौके पर हम सियासी समाजी दीनी मिल्ली बहुत से लोग इस प्रोग्राम में आए और साहब को जो है कि मुबारकबाद पेश किए, एमआईएम के लीडरान
हमाम के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अधिकारी सब इस प्रोग्राम में मौजूद थे और सब ने साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और साहब को दुआ दिए, मुबारकबाद पेश किए। मैं कहना चाहता हूँ कि आमदार साहब जिस तरह शहर के विकास को काम कर रहे, चौकट के बाहर रोड और गडर का, इसी तरह गरीबों की चौकट के अंदर उनके राशन का, उनकी दवा गोली का और उनकी जो भी एक गरीबों की जरूरत का साहब वो भी ध्यान रख रहे कि चौकट के बाहर के अलावा गरीबों की चौकट के अंदर की भी जरूरत को जो है कि साहब ध्यान रख रहे। इसी वजह से पूरे शहर में जो है कि आज एक जबरदस्त चर्चे का माहौल था कि एक ऐसा जन्मदिन पहली बार देखा गया कि आजाद साहब ने जन्मदिन नहीं बनाए लेकिन गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, अपाहिजों के लिए साहब ने एक जबरदस्त तोहफा गिफ्ट दिए। इस मौके पर शहरियान ने आमदार साहब को सर खोज से मुबारकबाद पेश की है और दुआओं से नवाजा है। मैं तमाम ऐसे लोग जिन्होंने साहब के इस प्रोग्राम में शिरकत किए, साहब को इस्तकबाल किया, साहब को जो है कि मुबारकबाद पेश किए, मैं तमाम का अपनी तरफ से और खुसूसन अली जनाब आमदार फारूक साहब की तरफ से मैं तमाम शहरियान का शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आमदार साहब से इसी तरह काम लेता रहे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदरुस्ती दे, सिफात और आफियत से नवाजे और कौम समाज मिल्लत की इसी तरह जो है कि साहब से अल्लाह काम लेता रहे। अल्लाह के बारगाह में दुआ है मेरी। अस्सलाम वालेकुम।